क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने चिराग पासवान को लेकर के झूठ बोला? क्या चिराग पासवान उपचुनाव के दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे? क्या चिराग पासवान भाजपा के साथ नहीं गए हैं? क्या चिराग पासवान भाजपा के नेताओं की बात को नहीं मानी है? क्या भाजपा ने एक तरफा बयान दिया? क्या चिराग पासवान अभी भी भाजपा से नाराज हैं? मीडिया में जो खबरें आ रही है वो कितनी सही है, इसका बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कल देखिए बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने ऑफिस यानी कि भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि एनडीए के जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो हिस्सा हैं, वो जो नेता हैं, वो प्रचार कर रहे हैं दोनों उपचुनाव के जो सीट हैं, गोपालगंज हो, मोकामा हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं और चिराग पासवान 31 तारीख को गोपालगंज तो 1 तारीख को मोकामा में चुनाव प्रचार करने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। ऐसे में देखिए ये बातें मीडिया में बहुत चली और ये बात उस कल से ही लगातार चल रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनडी इस बयान के बाद अब देखिए ये बात भी सामने आ गई है कि चिराग पासवान अभी तक एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि उनके तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है या फिर उनके नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। भाजपा ने अपने मन से एक तरफा बयान दिया है। चिराग पासवान से बीजेपी के नेता अभी संपर्क में है, बात चल रही है, मान मनोवल हो रहा है। चिराग पासवान को राजनाथ सिंह जो कि लोकसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे संपर्क में है और बातचीत हो रही है। कल चिराग पासवान पटना आ रहे थे, उसी दरमियान राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन किया, उनको वापस बुलाया, बातचीत चल रही है। चिराग पासवान अभी नहीं मान रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा उनकी पार्टी तोड़ने में उन चाचा पशुपति पारस का हाथ है, उनके सांसदों को तोड़ लिया, उनके परिवार को तोड़ लिया। ऐसे में चिराग पासवान अभी भी अपने चाचा से नाराज हैं और जब तक उनको एनडीए से बाहर नहीं किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री नहीं हटाया जाएगा, तब तक वो नहीं मानेंगे, ये उनके जो नेता हैं ये कहना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि युवा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे हैं, उनका कहना है कि अभी बीजेपी के नेता से बात चल रहा है, चिराग पासवान भी समय मांगे हैं और मुलाकात हो रही है, अभी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है भाजपा की तरफ से। लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक नहीं फैसला लिया है कि दोनों जगहों पर हम चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे क्योंकि उनकी जो शर्त है, उनका जो कहना था, उनका जो मांग था, भाजपा ने अभी तक नहीं पूरा किया है, नहीं माना है। जब तक चाचा पशुपति पारस को एनडीए से बाहर नहीं करते हैं तब तक चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं होंगे, ना ही दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो इसमें यह साफ हो जाता है कि भाजपा ने अपने मन से ये बातें मीडिया में कही है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है लोजपा का, युवा लोजपा का, उनका साफ कहना है कि चिराग पासवान अभी नहीं माने हैं, वो इस पर फैसला करेंगे, लेकिन जो फैसला करेंगे हम लोग साथ में हैं, लेकिन दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई आधिकारिक बयान चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से नहीं आया है। तो इसमें तय हो गया है, ये बातें सामने आ गई है कि भाजपा ने जल्दबाजी में चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराया है, अपने मन से एक तरफा शामिल कराया है, जबकि चिराग पासवान अभी तक एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। तो एक तरह से कहा जाए भाजपा की भारी बेइज्जती हो गई है, एक तरह से कहा जाए भाजपा के लिए किरकिरी वाली बात है। तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा इस तरीके का काम क्यों कर रही है, भाजपा क्या संदेश देना चाह रही है चिराग पासवान को बिना सहमति के ही अपने पार्टी में शामिल कराने को लेकर के। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाए हर समस्या का समाधान, मोबाइल नंबर 8652114334।
भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाए हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।